तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आ गए दोस्तों एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सी प्रॉपर्टी लेके, 150 गज में बनी हुई दोस्तों 5 BHK। जी हाँ, बड़ी बड़ी आपको रोड्स मिलती है। देखिए 35 फीट की रोड्स मिलती हैं, 5 BHK कोठी है, बहुत एक्सक्लूसिव क्योंकि बहुत अच्छी बनी हुई है। आप एक बार देखिए इसका एलिवेशन, बहुत प्यारा। LED लाइट्स को भी यूज़ करा गया है और नाइट व्यू दोस्तों इसके और अच्छे आने वाले। अगर आप इसको देखना चाहते हैं आप कभी भी हमें कॉल करें, अपनी विजिट प्लान करें। और इसकी जो प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर चेक करें। तो बात करो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सारी एंटीज की टायर वर्क हो रखा है। आपकी एक गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाएगी। और एंट्रेंस की बात करूँ, देखिए बहुत प्यारा ये एंट्रेंस डोर आ जाएगा दोस्तों। ये पूरा दोस्तों स्टील का डोर है और ये बीच में ACP शीट्स लगी हुई हैं वुडन स्टाइल की, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत डिज़ाइनर डोर है। और ये आ गई हमारी बहुत बड़ी पार्किंग। देखिए पूरा पार्किंग एरिया में ग्रेनाइट लगा हुआ है। 18x12 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे आप अपनी चाहे दोस्तों फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, लग्जरी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको डाउन सीलिंग आपके पार्किंग एरिया में मिल जाती है, बहुत प्यारी LED लाइट्स के साथ। और ये देखिए कितने प्यारे वुडन के डिज़ाइन LED लाइट्स के साथ। और आप ये वायर्स देख रहे हैं दोस्तों, CCTV की सारी ही आपको प्रोविजनिंग करके दी जा रही है। CCTV सर्वेलेंस आप अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारी आ जाएगी 2-व्हीलर पार्किंग। इसका साइज रहने वाला है 15x5 का। नीचे आपको स्टोरेज टैंक भी मिलता है 4000 लीटर का। और यहाँ पे आपको टैब की प्रोविजनिंग मिलती है, आपको अपनी गाड़ी वॉश करनी है वो कर सकते हैं। और आप एक चीज़ दोस्तों नोटिस करिए, जितना इसका एलिवेशन है सारे एलिवेशन पे टाइल वर्क है। अगर आप इस एंगल से देखोगे, ये देखिए टाइल वर्क है, फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं। सालों साल पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सालों साल आपका घर दोस्तों फ्रेश रहने वाला, आउटडेट रहने वाला है, क्योंकि ये बनाई इतना प्यारा है। और अब बात करें हमारे घर की, यहाँ से आपको स्टेयर्स मिल जाती है बाहर से स्टील रेलिंग के साथ। और ये हमारा आ गया एंट्रेंस। सबसे पहले आप दोस्तों देखिए इसका मैच डोर, ये देखिए आपको एक डिज़ाइनर मैच डोर मिल जाएगा, हैवी मैच डोर मिलने वाला है। और इसके साथ बहुत हैवी हमारा एंट्रेंस डोर मिलेगा। ये देखिए 8 फिट की हाइट है, बहुत प्यारा दोस्तों आपको एंट्रेंस डोर मिलने वाला है। और अंदर आप आओगे तो दोस्तों ये देखिए, अगर आप शुरू करते हो देखिए वुडन का कितना प्यारा काम है। और देखिए बहुत दोस्तों छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा गया है। और यहाँ देखिए ये हमारा डाइनिंग एरिया है। जी हाँ, डाइनिंग एरिया। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ दोस्तों, इसका जो साइज रहने वाला है 15x10 का, बहुत अच्छे साइज का आपका ये डाइनिंग एरिया है। बहुत प्यारे वॉलपेपर, फैंसी लाइट, LED लाइट्स को यूज करा गया है। आप एक बार देखिए इसका व्यू। और बिल्कुल इसी के साथ हमारा आ जाएगा ये देखिए ड्राइंग एरिया। तो ये देखिए दोस्तों वुडन पार्टीशन दिया गया हमारे ड्राइंग एरिया को। नीचे आप देख रहे हैं डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ देखिए बहुत प्यारा वुडन का काम, हैवी डाउन सीलिंग, बहुत बड़ा आपको TV पैनल। इसका जो दोस्तों साइज रहने वाला है, आप इसका ड्राइंग एरिया का अगर साइज हम की मैं बात करूँ, 14x12 इसका साइज रहने वाला है। और यहाँ पे आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, देखिए सनलाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल जाती है। और यहाँ पे भी देखिए वॉलपेपर, बहुत प्यारे वॉलपेपर, जितनी भी दोस्तों फैंसी लाइट है ये भी आपकी इंक्लूड रहने वाली है। हैवी डाउन सीलिंग। और यहाँ आओगे यहाँ पे भी देखिए, ये आपको पूरा कैबिनेट दोस्तों ऐसे बना हुआ मिलेगा। ये देखिए नीचे भी आपको ये एज इट इज मिलने वाला है। और ये देखिए ग्लास पार्टीशन, तो बहुत प्यारा घर है दोस्तों, इसको एक बार जरूर चेक करें। सारे प्राइस साइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाते हैं। आइए चलते हैं हमारी किचन में। ये आ गई हमारी किचन। किचन की अगर मैं साइज की बात करूं, 10x8 इसका साइज रहने वाला है। और ये देखिए एक अलग दोस्तों यूनिक डिजाइन है हर चीज का। ये देखिए हाइड्रोलिक के साथ, यहां पे भी आपको हाइड्रोलिक के साथ,
ये भी हाइड्रोलिक के साथ। ये स्पेस आपको मिलेगी आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, और ये देखिए चिमनी भी आपको इंस्टॉल करके दी जा रही है। सारी दोस्तों प्रोविजनिंग कर दी गई है, और यहाँ देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ। गैस पाइपलाइन आपके अंडरग्राउंड रहने वाली है, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोलिक के साथ, ये भी आपका हाइड्रोलिक, ये देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल सिंक, वो भी नॉइस प्रूफ। और यहाँ पे देखिए आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और यहीं से आपका दोस्तों पता चल जाएगा आपके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सारी प्रोविजनिंग आपकी इसमें कर दी गई है, पूरा दोस्तों आरओ गीजर सारी प्रोविजनिंग इसमें कर दी गई है। और इस एंगल से भी देखिए एक बार व्यू, हैवी हैवी डाउन सीलिंग, पूरी डाउन सीलिंग आपके डाइनिंग और किचन में ये सेम डाउन सीलिंग दोस्तों जाती है। तो एक लग्जरी घर, सपनों का घर, बिल्कुल मिस ना करें, जल्दी से हमें कॉल जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में, और ये देखिए दोस्तों अगेन बहुत हैवी डाउन सीलिंग के साथ। इस बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ, 15x12 इसका साइज रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा ड्रेसिंग टेबल, हमारी माताओं और बहनों के लिए ड्रेसिंग टेबल बहुत जरूरी होता है। और इस वॉल पे आपको बहुत प्यारा वॉलपेपर फैंसी लाइट्स के साथ, अगेन आपका स्लाइडिंग के साथ आ जाएंगे वार्डरोब। ये देखिए अंदर आपको लॉकर मिल जाएगा, डबल डबल आपको लॉकर मिल जाएगा। ये नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे, चार दोस्तों नीचे आपको शू रैक मिल जाते हैं, आप चाहे इसमें अपनी कोई एक्सेसरी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपको आपके दोस्तों कोई सॉफ्ट टॉय है, कोई आपके शो पीस की आइटम है, वो आप यहाँ रख सकते हैं। और बात करूँ हर रूम में आपको बहुत बड़े साइज के दोस्तों टीवी पैनल मिल जाते हैं, देखिए डिजाइनर टीवी पैनल है। ये देखिए यहाँ पे भी आप अपनी कोई दोस्तों शो केस की आइटम रख सकते हैं, और इसके नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है। और आपको छोड़ जाता हूँ, पूरे व्यूज आप देखिए एक बार इस रूम के। और इसी के साथ आपको कनेक्टेड मिल जाएगा वॉशरूम, आप देखिए एक बार वॉशरूम के व्यू। और अगर मैं वॉशरूम के साइज की बात करूं, इसका जो साइज रहने वाला है वो है 7x6 का। रूफ हाइट्स तक आप देखोगे इसमें टाइल्स लगी हुई हैं। और ये आ गया हमारा अगेन बेडरूम। इस बेडरूम की भी दोस्तों अगर वेंटिलेशन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये बहुत बड़े साइज की विंडो, आपको सनलाइट कम, आपको मैश मिल जाता है, ताकि आपका वेंटिलेशन भी बना रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में, और यहाँ से हमारा एक्सेस आ जाता है हमारे सेकंड बेडरूम का। अगेन दोस्तों सेम सिमेट्री फॉलो करी गई है, बहुत हैवी डाउन सीलिंग, बहुत दोस्तों प्यारा वॉलपेपर फैंसी लाइट्स के साथ। 15x12 इसका भी साइज रहने वाला है। और ये देखिए अगेन ड्रेसिंग टेबल, बहुत सारी स्टोरेज के साथ, ये नीचे भी आपको स्टोरेज ही मिलने वाली है। और अगेन दोस्तों जैसे आपने पहले रूम में देखा, नीचे आपको चार मिल जाएंगे दोस्तों आपके कंपार्टमेंट शू रैक के लिए, और यहाँ पे स्लाइडिंग के साथ आपका वार्डरोब। अंदर आपके लॉकर आ जाएंगे, रूफ हाइट्स तक है स्टोरेज, देखिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। और यहाँ पे अगेन आपको डिस्प्ले के लिए दोस्तों आपको दिए गए हैं कंपार्टमेंट्स, आप अपने सॉफ्ट टॉय रख सकते हैं, कोई शोकेस की आइटम है वो रख सकते हैं। और इस रूम में भी अगेन आपको बहुत हैवी बहुत फैंसी आपको मिल जाएगा टीवी पैनल। और ये देखिए दोस्तों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया, ये देखिए इस स्पेस को भी यूटिलाइज करा गया है, कितना अच्छा दोस्तों आपके लिए एक
फील आ रहा है हर छोटी छोटी डिज़ाइन से। और इसी के साथ हमारा अटैच आपको मिल जाएगा वॉशरूम। और इस वॉशरूम के अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो अगेन 7x6 इसका साइज रहने वाला है। रूफ हाइट में टाइल्स लगी हुई हैं, आपको विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। और आप देखिए एक बार रूम के व्यू, और ये आ जाएगा हमारा रियर कोर्टयार्ड। और रियर कोर्टयार्ड की अगर मैं साइज की बात करूं 11x6 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग मिलेगी, अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके दोनों बेडरूम की दोनों वॉशरूम की वेंटिलेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका एक डक्ट एरिया रहने वाला है ताकि आपके घर में हमेशा वेंटिलेशन भी बना रहे। तो ये था हमारा व्यू ग्राउंड फ्लोर का। आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ये घर कैसा लगा। बहुत एक्सक्लूसिव सा घर आपके लिए लेके आए हैं। आप भी हमें सपोर्ट ज़रूर करा करें, कमेंट जरूर करा करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले कर लें। तो आइए चलते हैं फिर फर्स्ट फ्लोर पे। और ये देखिए स्टील रेलिंग के साथ है पूरा स्टेयर केस पे, देखिए ग्रेनाइट लगा हुआ है। और ये आगे हम अपनी फर्स्ट फ्लोर पे, और आप देख रहे हैं पूरे घर में डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। और अगर मैं ये बालकनी की दोस्तों बात करूं, देखिए स्टील रेलिंग के साथ है, ग्लास लगा हुआ है, 22x4 इसका साइज रहने वाला है। और अगर कैमरामैन थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा दे, पूरा एरिया बसा हुआ है सेक्टर 123 बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ। और नाइट व्यू आप इसके देखोगे तो और बहुत अच्छे आने वाले हैं। और ये हमारा आ गया पोर्च एरिया, पोर्च एरिया का साइज होने वाला 14x8 का। और यहाँ देखिए अगेन आपको हैवी डाउन सीलिंग मिल जाएगी वुडन के, बहुत प्यारे ये डिज़ाइन भी मिलने वाले हैं। स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती हैं, अगेन आप अपनी एक और दोस्तों डबल स्टोरी तो बनी हुई है, एक और स्टोरी बनाएं ट्रिपल स्टोरी कोठी बहुत प्यारी बनने वाली है। तो अगेन आगे हम अपनी एंट्रेंस पे हमारी फर्स्ट फ्लोर की हैवी आपको मैश डोर मिल जाएगा। और अगेन आपको ये हैवी एंट्रेंस डोर मिल जाएगा। तो यहां पे आप अंदर आओगे, बात करूं डाउन सीलिंग की, बहुत हैवी आपको ये डाउन सीलिंग मिल जाएगी। और ये हमारा डाइनिंग एरिया दोस्तों 16x10 इसका साइज रहने वाला है। और यहां पे भी देखिए डिजाइन वुडन से डिजाइन बहुत प्यारे क्रिएट करे गए हैं, बहुत प्यारा वॉलपेपर। और आप एक बार देखिए डाइनिंग का व्यू, और आप ये जो फैंसी लाइट्स देख रहे हैं ये भी आपको इंक्लूड रहने वाली है। तो ये आ गया हमारा किचन, डबल डबल किचन मिलती है दोस्तों। ये देखिए 8x10 इसका साइज रहने वाला है। ये स्पेस आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए आ जाएगी। और देखिए मॉडुलर किचन सॉफ्ट क्लोजर के साथ। यहाँ आपको चिमनी की प्रोविजनिंग मिल जाती है, और ये आपके हाइड्रोलिक के साथ। अगेन आपका डबल सिंक आ जाएगा नॉइज प्रूफ। और यहाँ पे अगेन आपको बहुत बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और आपको पता चल जाएगा आपके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो ये था हमारा किचन और डाइनिंग का व्यू। किचन में भी आप देखोगे, अगर आपको कैमरा में एक बार दिखा दे तो बहुत हैवी आपको किचन में भी डाउन सीलिंग मिल जाएगी। तो ये था हमारा किचन डाइनिंग का व्यू। और ये आ गया हमारा एक दोस्तों थर्ड रूम, और इसकी मैं साइज़ की बात करूं, इसका अगेन साइज़ रहने वाला है 15x12 का। और ये आ गया हमारा बहुत बड़ी विंडो आपके सनलाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और ये देखिए वॉलपेपर दोस्तों बहुत प्यारे यूज़ करे गए हैं, और जो फैंसी लाइट्स हैं वो भी बहुत प्यारी हैं। आगे आपको अगेन मिल जाएगी आपके वार्डरोब स्लाइडिंग के साथ। नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे, और आप देखिए फ्लोर से दोस्तों डिफरेंस भी है ताकि आपकी क्लीनिंग हो सके। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों ड्रेसिंग एरिया,
ड्रेसिंग टेबल बताऊं और बहनों के लिए, देखिए इसमें आपको स्टोरेज मिल जाएगी। और ये हमारा आ जाएगा एक बहुत प्यारा टीवी पैनल, तो आप देखिए एक बार पूरे रूम के व्यू, बहुत अच्छे व्यू आपको मिलने वाले हैं। और हैवी डाउन सीलिंग मिल रही है, सारी प्रोविजनिंग पूरे घर में स्प्लिट ए सी प्रोविजनिंग भी आपको मिली जाती है। तो दोस्तों आ रहा है मजा? जी हाँ, ऐसे ऐसे घर, जी हाँ आपको कह रहा हूं, आप भी अगर ऐसा घर लेना चाहते हैं, आपको भी अच्छी लगी प्रॉपर्टी, जरूर हमें एक बार कॉल करें, हमसे प्राइस जरूर चेक करें, हमारी टीम से एक बार डिस्कस जरूर करें। आइए चलते हैं। ये हमारा आ गया फोर्थ बेडरूम, इसका जो साइज रहने वाला है 15x12 का। और यहाँ पर भी देखिए डाउन सीलिंग, LED लाइट्स को देखिए कितना प्यारा यूज कराया गया है। और यहाँ पे देखिए वॉलपेपर, देखिए फैंसी लाइट्स। और अगेन ये हमारे वार्डरोब स्लाइडिंग के साथ, नीचे आपके आ जाएंगे शू रैक, और ये आ जाएगा हमारा अगेन टीवी पैनल। तो बहुत अच्छा दोस्तों घर है, पूरे घर में आपको सारी प्रोविजनिंग के साथ मिलने वाले हैं। आप देखिए एक बार पूरे घर का व्यू। और इसी के साथ आपको अटैच दोस्तों मिल जाएगा वॉशरूम, और ये वॉशरूम का साइज अगेन 7x6 का रहने वाला है। रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई हैं, आपको सारी प्रोविजनिंग, विंडो भी मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। तो आइए फिर चलते हैं हमारे फिफ्थ बेडरूम में। ये आ गया हमारा फिफ्थ बेडरूम, 5 BHK कोठी है दोस्तों, बहुत प्यारी। ये देखिए अगेन डाउन सीलिंग, देखिए एक नए डिजाइन के साथ, बहुत प्यारी LED लाइट्स के साथ। और इसका भी जो साइज रहने वाला है 15x12 का। ये देखिए फैंसी लाइट्स, बहुत प्यारी। अगेन सेम सिमेट्री आपकी वार्डरोब की स्लाइडिंग के साथ। नीचे देखिए आपके शू रैक आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी माताओं और बहनों के लिए ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, साथ साथ आपको इसमें स्टोरेज मिल जाएगी। और ये आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग टेबल, और इस रूम में भी आपको टीवी पैनल मिल जाएगा। ऑलमोस्ट दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपको इस घर में हर रूम में टीवी पैनल मिलता है, आपके ड्राइंग एरिया में भी टीवी पैनल मिल जाता है। और ये आ गया हमारा अगेन, जैसे हमें नीचे दोस्तों मिला था, अगेन एक स्पेस मिल जाएगी आपकी फैंसी आइटम के लिए। और इसके साथ भी आपको अटैच मिल जाएगा वॉशरूम, और आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू। सेवन इंटू सिक्स इसका साइज रहने वाला है, रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई है, आप इसको एक बार जरूर चेक करें। और ये देखिए एक बार रूम का व्यू। तो दोस्तों आ रहा है मजा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आ गया हमारा रियर कोर्टयार्ड। तो ये देखिए ये हमारा डक्ट एरिया है हमारी वेंटिलेशन के लिए, आपके दोनों वॉशरूम की, दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन यहीं पर रहने वाली है। आपको टैप की प्रोविजनिंग मिल जाएगी, इसका जो साइज रहने वाला है 11x6 का। तो ये था हमारा दोस्तों 5 BHK कोठी का टूर। तो अभी आपको दिखाता हूँ माउंटी एरिया, आइए चलते हैं हमारे माउंटी एरिया की तरफ। ये देखिए अगेन स्टील रेलिंग के साथ, पूरी स्टेयर केस में ग्रेनाइट लगा हुआ है। और ये आ गया हमारा माउंटी एरिया, यहाँ पे आप अपना एक दोस्तों स्टोर बना सकते हैं। और इस माउंटी का जो साइज रहने वाला है 14x8 का, देखिए। और यहाँ पे भी आपको एक स्पेशली दोस्तों ग्लास के साथ विंडो भी मिल जाती है, ताकि आपकी माउंटी एरिया में भी सनलाइट आती रहे। तो अभी मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको एक बार रूफ का व्यू भी दिखा दे। चलिए रूफ की तरफ। तो ये देखिए
पूरा बसा हुआ एरिया है, सेक्टर 123, थाउजेंड लीटर के आपके टैंक भी इंस्टॉल हो चुके हैं। ऊपर भी देखिए दोस्तों, आपकी रूफ के ऊपर पूरा दोस्तों एंटीस की टायर्स लगी हुई हैं। तो ये था हमारा 150 गज में बना हुआ 5 BHK इंडिपेंडेंट घर। आप चाहे तो यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले कर लें, ऐसी वीडियोस आपको रोज़ हमारे चैनल पे मिलती हैं। आप हमें सपोर्ट करें, इसकी सारी प्राइसिंग साइजिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज़रूर चेक भी कर लें। हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले अपडेट आ जाते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो इसी के साथ दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दें। तो मिल देंगे और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।